दुनिया जानती है उन्होंने हमको आगे किया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद चाहता हूं कि संस्कृत ज्ञान और विज्ञान और अनुसंधान की भाषा है। आज संस्कृत में भारतीय विज्ञान परंपरा विश्व वैज्ञानिक परंपरा में एक है। भारत के विज्ञान का उदय आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। श्रीमान हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी के प्रमाणों और वहां के लोगों के वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से यह पता चलता है कि यह कितनी प्राचीन भाषा है। श्रीमान प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में कई खोज बहुत महत्वपूर्ण योगदान न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में संस्कृत करा है। इनकी खोजों का प्रयोग आज भी उसी रूप में उपयोग किया जाता है। वैदिक युग का जो श्रीमान गणित है और जो रेखा गणित है, ज्यामिति, इसका पर्याप्त विकास यदि दुनिया में हुआ श्रीमान तो ये निश्चित रूप में भारत की धरती पर वो पैदा हुआ है। वैदिक काल के लोग खगोल विज्ञान में अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। ये संस्कृत ग्रंथों में वो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, चरक संहिता सहित हजारों हजारों वो ग्रंथ हैं जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान और विज्ञान समाया है। इसी ज्ञान और विज्ञान को पूरी ताकत के साथ विस्तार देने के लिए ये तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया है श्रीमान। और इसलिए मैं ये समझता हूँ श्रीमान कि यदि ये संस्कृत भारतीय भाषाओं को भी सशक्तिकरण देती है। संस्कृत हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में श्रीमान बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो हमारी भारत की 22 भारतीय भाषा है हम इनको सशक्त करेंगे और हिंदी के विकास के लिए मूलतः संस्कृत और गौणतः सभी भारतीय भाषाओं से इसको समृद्ध करेंगे। श्रीमान मैं समझता हूँ ये संस्कृत की खूबसूरती है कि यदि संस्कृत में आकाशाह बोलते हैं तो हिंदी में आकाश बोलते हैं, तेलुगु में आकाशम बोलते हैं और कन्नड़ में आकाश शनु बोलते हैं। श्रीमान भूमि ही संस्कृत में यदि भूमि बोलेंगे तो हिंदी में भूमि बोलते हैं, तेलुगु में भूमि बोलते हैं और कन्नड़ में भी भूमि बोलते हैं। नमस्कार नमस्कार हिंदी में नमस्कार, तेलुगु में नमस्कारम और कन्नड़ में भी नमस्कार होता है और उड़िया में भी नमस्कार होता है। प्रसाद प्रसाद हिंदी में बोलते हैं, प्रसाद दम तेलुगु में बोलते हैं श्रीमान और प्रसाद ये कन्नड़ में बोलते हैं और प्रसाद ही उड़िया में बोलते हैं। सभी भारतीय भाषाएं उसमें 60 से लेकर 70% तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में ये संस्कृत समाई हुई है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ उड़िया भाषा में तो जो क्रिया पद है वो भी संस्कृत मूलक है श्रीमान। वो कुर्वन्ति कहते हैं, वो उड़िया में कहते हैं श्रीमान करुछन्ति, इधर धरियन्ति बोलते हैं उधर धरुछन्ति बोलते हैं, उधर ये संस्कृत में कथयन्ति बोलते हैं कछुयन्ति बोलते हैं। तो यदि देखा जाए श्रीमान तो इतना ही नहीं देश की जो भाषाएं वो तो है ही श्रीमान, यदि मैं दुनिया की भाषाओं को भी देखूं तो संस्कृत भाषा से जो अंग्रेजी भाषा है उसकी भी उत्पत्ति मान सकते हैं श्रीमान। मातरा संस्कृत में बोलते हैं, अंग्रेजी में उसी को मदरा बोल रहे हैं। भातर भ्रातरा संस्कृत में बोलते हैं, उधर ब्रदरा बोलते हैं। दुहिता डॉटर दो को तू बोलते हैं। श्रीमान यदि देखा जाए तो दुनिया की सारी भाषाएं कम से कम दर्जनों दर्जनों भाषा इस बात का सबूत है कि संस्कृत के शब्दों को ही दुनिया की तमाम भाषाओं ने लिया है। इसलिए श्रीमान मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक थे इस भाषा में जो ग्रंथ हैं, जो ज्ञान और विज्ञान अनुसंधान है वो न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के लिए है। और क्योंकि हिंदुस्तान का विचार अयम निधा परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को हमने कुटुंब माना है। इसलिए ये जो संस्कृत है इसका जो वैभव है, इसका ज्ञान और विज्ञान है ये पूरे विश्व के लिए है। और मैं समझता हूँ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भारत एक ऐसा सशक्त भारत चाहिए
जो स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो और एक भारत हो, वो इससे होकर के गुजरेगा श्रीमान। और निश्चित